मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अपनी हवाई यात्रा राही निजी दौरिया से किमें करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। सिद्धू साहब अज जे खुलासे हुए हैं कि करोड़ों रुपए है जेडे हवाई यात्रा राही मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों उड़ाए गए हैं, की कुछ है इस हुण नवीं गल ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले 19 महीनों के जहाज़ के खर्चे के उपर जिहड़ा कहिंदे 50 करोड़ रुपया जिहड़ा वो खर्च दिता है उड़ा दिता है 50 करोड़ रुपया। एक जानकारी ये भी कहिंदे सामने आई है कि जिहड़ियां पहलां वालियां सरकारां सी जिन्हां नूं ये लोग कहिंदे आ कि लो जी पहलां वाले नहीं सी जहाज़ वरतदे, कहिंदे कि पहलां वालियां सरकारां जिहड़ियां सीगियां वह 7 to 8 करोड़ रुपया सालाना जहाज़ से जिहड़ियां वह कहिंदे खर्चदियां सीगियां, पर इन्हां ने तां रिकॉर्ड ही जिहड़े आ तोड़ दित्ते आ, इन्हां ने तां 50 करोड़ रुपया कहिंदे खर्च दित्ता। खुलासे जिहड़े ये होए आ कहिंदे कि 1 अप्रैल तो लैके 3 अप्रैल तक कहिंदे 2 दिन के लिए कहिंदा जहाज जिहड़ा कहिंदे चाहीदा सीगा जदों गुजरात के चोणा सी, कहिंदे गुजरात चोणा के पंजाब का जहाज जिहड़ा कहिंदे 2 दिनों के लिए वरत्या गया जिते अरविंद केजरीवाल नूं लैके गए पंजाब के मुख्यमंत्री, पर कहिंदे 2 दिनों के 45 लाख रुपया खर्चा आया जहाज का। जदों सहुं चुक समागम सीगा उदों दिल्ली वाले लीडरां दी जिहड़ी ढोआ ढवाई कहिंदे जिहड़ा करनी सीगी ये पंजाब के खर्चे से जहाज़ के केंद्र वह 55 लाख रुपया खर्चा आया। जो कहें रौला रप्पा ज़्यादा पै गया तो फिर की किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि हूँ जो RTI के राही जहाज़ा की जी जानकारी जहाज़ों का खर्चा जोड़ा वो देना आप बंद कर। मानक गोयल ने भी जी इस संबंधी एक RTI पाई, नवजोत सिंह सिद्धू होर ने भी RTI पाई और नवजोत सिंह सिद्धू होर ने भी जहाज़ के खर्चे बारे सवाल पूछे, पर RTI के जवाब मिले नहीं जी य निजी जानकारी है मुख्यमंत्री साहब की, ये बारे अभी जानकारी नहीं दे सकते। सिद्धू साहब कहते हो मैं तो खर्चे बारे पूछा, मैं मुख्यमंत्री का रूट थोड़ो पूछा भी कितने जाना कितने, मैं तो खर्चे बारे पूछा। मतलब हैरानी की गल है कि हले कुछ दिन पहला ही 1950 करोड़ रुपये का कहते इन्होंने होर जो लोन ले लिया, तो लोन तो लोन ले जा रहे, करजे तो करजा ले जा रहे, एक पासे कहते कि साढ़े को पैसा ही बड़ा, हुण पैसा आ कित्थों रहा यह दस नहीं रहे, पैसा आ रहा करजा लैके कितने 50 हज़ार करोड़ कितने 1000 करोड़ कितने किन्ना 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 करके हुण कहिंदे कि 70 हज़ार करोड़ 2 सालों के कहिंदे तकरीबन हो जाना है जिस तरीके भगवंत मान सरकार लगी है। पिछलियां सरकारां सी जिन्हां नूं इह लोक कहिंदे आ कि भाई पिछलियां सरकारां नहीं सी जहाज़ वरतदियां, वह जिहड़ियां जहाज़ वरतदियां सी उह 7 to 8 करोड़ रुपया साल के खर्चदियां सी जहाज़ां ते, इह 50 करोड़ खर्च रहे आ। पिछलियां सरकारां जिहड़ियां एडवरटाइजमेंट के उपर 35 to 40 करोड़ रुपया खर्चते सी, इह 750-800 करोड़ रुपया खर्च रहे आ। मतलब पहलां वालियां सरकारां तो अगे निकल चुकी है सरकार पैसे उड़ाउण दे विच। मुख्यमंत्री साहब जिहड़ियां पहलां गल्लां कहिंदे हुंदे सीगे जिहड़ियां पहलियां गल्लां ते इन्हां नूं भांडदे हुंदे सी उह सिर्फ गल्लां करदे ही नहीं बल्कि उदों ज़्यादा कर रहे आ कि ये बसा वरत रहे हैं, ये जहाज़ वरत रहे हैं, ये एडवरटाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो जिहड़े भेटा वतन पंजाब दियां वो ये गल कहन लग जांदियां ने कि देखो जी ये तो पहलां वाले भी करते सी, जे पहलां वाले करते सी फिर लभ भी तां रहे नहीं, वो हुण सरकार तो 3 ते आ गए, 78 तो 18 ते आ गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अपनी हवाई यात्रा राही निजी दौरिया से किमें करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं, इस लैके विरोधियों ने वड्डे खुलासे किए ने। इस ते ज़्यादा जानकारी देने लिए मेरे नाल मेरे सहयोगी पत्रकार सुखविंदर सिद्धू। सिद्धू साहब अज जे खुलासे हुए हैं कि करोड़ों रुपए है जेडे हवाई यात्रा राही मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों उड़ाए गए हैं, की कुछ है इस? देखो इस संबंधी आप कल भी गल की सी, एक करोड़ों रुपया उड़ाए किमें गए और कल वाला प्रोग्राम अज दोवें जने आपस मेल किमें खाते वो भी आप जो दसते हैं। हुण नवीं गल ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले 19 महीनों के जहाज़ के खर्चे के उपर जिहड़ा कहिंदे 50 करोड़ रुपया जिहड़ा वो खर्च दिता है जी, उड़ा दिता है 50 करोड़ रुपया। हुण बहुतियां जिहड़ियां भेडा जे मैं कहूँगा तो फिर उन्होंने मचना है, क्योंकि जो आप कल प्रोग्राम जिहड़ा कीता सीगा उदों बहुते सज्जना ने ये गल्लां कहियां, लो जी पहलां वाले वरतदे नहीं सी, वह भी मैं गल दस दिना। हुण एक जानकारी ये भी कहिंदे सामने आई है कि जिहड़ियां पहलां वालियां सरकारां सी जिन्हां नूं ये लोग कहिंदे आ कि लो जी पहलां वाले नहीं सी जहाज़ वरतदे, कहिंदे कि पहलां वालियां सरकारां जिहड़ियां सीगियां वह 7 to 8 करोड़ रुपया सालाना जहाज़ ते जिहड़ियां वह कहिंदे खर्चदियां सीगियां, पर इन्हां ने तां रिकॉर्ड ही जिहड़े आ उह तोड़ दित्ते आ, इन्हां ने तां 50 करोड़ रुपया कहिंदे खर्च दित्ता जी। हैं मतलब हैरानी वाली गल है भी
ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ RTI ਪਾਈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ, ਕਿਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ 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 ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70,000 ਕਰੋੜ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ 50 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਦੇ ਸੀ, ਇਹ 750-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਵੀ ਹਵਾਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਠੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਫਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। RTI ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮ ਜਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ?
मैं तो पहले ही यह गल्लां जिहड़ियां कह के हटे हाँ, आप कल ही गल करके हटे हाँ कि मुख्यमंत्री साहब जिहड़ियां पहलां गल्लां कहिंदे हुंदे सीगे जिहड़ियां पहलियां गल्लां ते इन्हां नूं भंडदे हुंदे सी उह सिर्फ गल्लां करदे ही नहीं बल्कि उदों ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आप पहला ये गल करके हटिया, मैं एक अरविंद केजरीवाल होना एक मैं वीडियो देख रहा अन्न अंदोलन मौके की जिद कह रहे थे केंद्र कि यह कुर्सी पता नहीं कहो जी बन गई है तो ये ते बह के हर कोई बंदा जिहड़ा बदल जाता हूँ। कहिंदे साडे मन दे विच डर है कि इस अंदोलन दे विचों जिहड़ी पार्टी निकलूगी जिहड़े लोग निकलणगे किते वह भी इस कुर्सी पर बैठ के उहे जिहे ना हो जाण, तो उहे जिहे हो रहे आ जो खुलासे हो रहे आ उह तां इशारा उही करदे आ वी उहे जिहे हो गया। ये मतलब सिरे दी नौटंकी है, सिरे दी नौटंकी। मतलब एक बारी मैं अपील करूँगा, देखो वोट किनू पाउणी है, किने पाउणी है, किवें पाउणी है, वह लोगों की मर्जी है। पर जिस तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जिहड़े आ ओ बाहरले सूबियां दे लोकां नूं जाके भरमा रहे आ, उन्हां नूं एक वारी चाहीदा है कि पंजाब दे लोकां तों हाल पुछ लैण, ओ लोक पुछ लैण कि वाकई जो भगवंत मान पंजाब दे हालात इत्थे आ के दस रहे आ सानूं ओ वाकई हैगे जां नहीं हैगे, दिल्ली दे विच ओ हालात हैगे जां नहीं हैगे, वो आपका एक बार फीडबैक जरूर ले लैन। ये ना हो कि पंजाबियों वगू पछता पै जाए, बाकी उन्हों की मर्जी है, वोट जिन्हों मर्जी पाना से नहीं कहें कि कांग्रेस में पाओ, बीजेपी में पाओ, किसी को पाओ, असं यह भी नहीं कहें कि आम आदमी पार्टी ना पाओ, पर यह गल पक्की है कि फीडबैक एक बार जरूर ले लो, फीडबैक लैके वोट पायो, कि ना हो पछता पै जाए जी। थोड़ी जी गल ऐड करांगा कि PRTC दे जिहड़े मुलाजम ने वो भी जिहड़े आ हड़ताल ते जा रहे, जिहड़ी सरकार PRTC दी बसां सरेआम जिहड़ियां रैलियां विच वरत रही है ते दावे कर रही है भी किसी तरह का पैसा नहीं देना हैगा, पर उही सरकार करोड़ां रुपए हवाई यात्रा ते दा खर्च सकती है पर जिहड़ा रैलियां विच बसां वरतियां जा रहियां उन्हां दा पैसा नहीं दे सकदी। मैं तां पहले ही इही गल कह रहा अपने जी, ये कहिंदे हुंदे देखो कोई गल कप्पा कर लीए ना कि ये बसां वरत रहे आ, ये जहाज वरत रहे आ, ये एडवरटाइजमेंट कर रहे आ, तो वो जिहड़े भेडां वतन पंजाब दीआं वो ये गल कहिण लग जांदीआं ने कि देखो जी ये तां पहलां वाले भी करदे सी, वो जे पहलां वाले करदे सी वो फिर लभ भी तां रहे नहीं, वो हुण सरकार तों तिन्नां ते आ गए, 78 तों 18 ते आ गए, हुण ये भी गांह नूं पता नहीं रहिणे आ कि नहीं रहिणे। गल तां उहनां दी ये है कि जे वो कुछ करदे सी तां तुहानूं चुणिआ सी, तो जे तुसीं भी यही कुछ करोगे तो फिर गुस्सा तो फिर बनता ही है ना। हुण देखो जिहदे बारे पता हुंदा भी देखो इन्हें आह कुछ किया, ये बंदे ने आह कुछ किया, ये बंदा है ही इहो जिहा यार, इन्हें तो इहो जिहा कुछ करना है ना, उहदे ते गुस्सा नहीं हुंदा। एक जिहड़ा शरीफ बने, एक भोला बने, एक इमानदार बने ते बाद दे विच इहो जिहियां गल्लां करे, उहनूं देख के ऐ हुंदा वी यार उहदे ते गुस्सा हुंदा वी यार ये क्यों, ये क्यों आए करे, वह तो जो सिगा सिगा ही है जाए जा, पर यह तो बंदा सही सी ना यार, यह जहाँ गल्लां क्यों कर रहा, उहदे ते गुस्सा जिहड़ा ज्यादा हुंदा। इस करके भगवंत मान ने भोला मूँह बना बना के लोगों को वोटा लईया, अरविंद केजरीवाल ने भोला मूँह बना बना के लोगों को वोटा लईया, और हुण जो गल्लां कर रहे वह भोले चेहरे वालियां है नहीं, वो जिहड़े मखौटिया वाले लोग से उन्हां तों भी अगे निकल चुके आ, इस करके इन्हां ते गुस्सा जिहड़ा ज़्यादा आ रहा जी। सो तुसी सुनिया है कि किवें हवाई यात्रा राही करोड़ां रुपया पंजाब दा उड़ाया गया, तो उत्थे ही लोग भी जिहड़े आ इस नूं लै के खूब सरकार नूं घेरन की तैयारी च ने, ते देखना होगा कि कदों तक सरकार अपने इन्हां खर्चियां ते रोक लगाएगी ते असल मुद्दियां वल ध्यान देगी ते लोकां दा भला करेगी। होर जानकारी लई जुड़े रहो रोजाना लोकनाट टीवी नाल।